पृष्ठ संख्या एक सौ बारह सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं उपसंहार भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू जन्म सन अठारह सौ नवासी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी आत्मकथा विश्व इतिहास की झलक हिंदुस्तान की कहानी पिता के पत्र पुत्री के नाम हिंदी अनुवाद में हिंदुस्तान की समस्याएं स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता लड़खड़ाती दुनिया आदि जो लेखों और भाषणों का संग्रह है मृत्यु सन उन्नीस जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ उनके पिता वहां के बड़े वकील थे नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए आगे चलकर उन्नीस में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा सन उन्नीस में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य कला संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे शांति अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया पृष्ठ संख्या एक सौ तेरह प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का पांचवा अध्याय है अंग्रेजी से भाषांतर हरिभा ने किया है इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहां के करोड़ों करोड़ लोगों की जय कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है